हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव यंग टीवी व्लॉग्स एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइज, आज मैं जा रही हूँ हीरो इलेक्ट्रिक के शोरूम में और वहाँ पर जाने के बाद मुझे एक स्कूटर का रिव्यू बनाना है और उस स्कूटर का नाम है ऑप्टिमा HX, जो कि ड्यूअल बैटरी की स्कूटर है। ऑलरेडी मैंने इसका रिव्यू बनाया हुआ है पर अभी कुछ नए अपडेट्स आए हैं प्राइस और, तो उसके लिए मैं स्पेशली जा रही हूँ क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो चैनल है ये जल्द से जल्द आप लोगों तक नए नए इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है, तो हमने सोचा कि चलो फटाफट इसके भी एक रिव्यू बना दें और आप लोगों के साथ शेयर करें। सो आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम अब जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर है वो हीरो इलेक्ट्रिक का शोरूम, आपको दिखा दूँ मैं। ये देखिए, हेलो गाइस, फाइनली मैं इनके शोरूम में आ गई हूँ और ये देखिए मेरे पीछे के साइड में, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बारिश चल रही है और जो स्कूटर मैंने आपको बोला था अब वो मुझे मिल गई है नए प्राइस के साथ, नए फीचर्स के साथ। तो ये देखिए, ये है वो स्कूटर, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है वो स्कूटर। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए मैं इसका रिव्यू जो है वो फटाफट स्टार्ट कर देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सोनल एंड वेलकम टू माय चैनल लिव यंग टीवी। चाहता है इंडिया नॉइज फ्री और पोल्यूशन फ्री बने और इसलिए हम चाहते हैं इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स और फोर व्हीलर ही चलाएँ और इसी की वजह से हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी सब्सिडी दी हुई है कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी ही एक लिथियम आयन बैटरी की जो स्कूटर है उसका रिव्यू देने वाली हूँ। सो उस स्कूटर का नाम है ऑप्टिमा HX, जो कि ड्यूअल बैटरी की स्कूटर है। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ हीरो इलेक्ट्रिक के शोरूम में और इस शोरूम का नाम है MNGSE Bikes। यहाँ पर आने के बाद जितनी भी हीरो इलेक्ट्रिक की स्कूटर्स है आप देख सकते हो और इसका टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो, तो प्लीज़ आप इनके शोरूम में विजिट दीजिए। ये पिंपरी चिंचवड़ पुणे रावित में है। तो आइए अब हम इस स्कूटर के फ्रंट फीचर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो गाइज, ये जो स्कूटर आप देख रहे हो ये आपको रेड मैट कलर में देखने के लिए मिल जाएगी और देखिए यहाँ पर ये स्टिकर दिया गया है। जिस स्कूटर के ऊपर ऐसे स्टिकर आपको दिखेगा इट्स मीन उस स्कूटर के ऊपर आपको सब्सिडी मिलती ही है। और उसी के साथ ये देखिए, यहाँ पर ये है ग्रीन कलर का नंबर प्लेट यहाँ पर दिया गया है, ये है इस कंपनी का लोगो। उसी के साथ यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट साइड में लिखा गया है इलेक्ट्रिक और इस साइड में भी स्टिकर दिया गया है लिथियम पावर। ये भी यहाँ पर स्ट्रिप्स दिए गए हैं, दोनों साइड में स्ट्रिप्स हैं, इसके जैसे भी ये स्कूटर अच्छी लग रही है। ये देखिए, यहाँ पर भी इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो कि बॉडी में दिए गए हैं और ये जो आप एक्सेसरीज देख रहे हो ये कंपनी फिटेड नहीं है, आपको लगवानी है तो आप इसे अलग से लगवा सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर भी नीचे हीरो इलेक्ट्रिक लिखा गया है नीचे के साइड पे। और ये देखिए, ये है इसका हेडलाइट जो कि हैंडल में दिया गया है और उसी के साथ आप यहाँ पर ये ब्लैक कलर में इसका इंसर्ट भी देख सकते हो, रेड और ब्लैक कलर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आइए अब ये जो लाइट है आपको ऑन करके दिखा दूँ। ये देखिए, ये है इसका पार्किंग लाइट जो कि रेगुलर दिया गया है और ये है इसका हेडलाइट जो कि LED है। अब ये जो इंडिकेटर्स है ये भी आपको ऑन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी रेगुलर ही दिए गए हैं। ये है टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन विद अलॉय विंड रिम और ये है 12 इंच के ट्यूबलेस टायर जो कि मेट्रो कंपनी के हैं और ये है फ्रंट ड्रम ब्रेक जो कि केबल ऑपरेटेड है। सो गाइस, देखिए यहाँ पर अभी बारिश हो रही है और यहाँ पर अंदर के साइड में मैं इसका रिव्यू बना रही हूँ इन स्कूटर्स का। ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स रखी गई हैं, यहाँ पर भी हैं
ये देखिए यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक एंड द फ्यूचर, तो ये है इनका शोरूम कुछ इस तरह से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए ये है इसका रेयर ब्रेक, इसका यहाँ पर हैंडल पे भी ग्रिप अच्छा दिया गया है। ये है इसका अपर लाइट और लोअर लाइट का स्विच, यहाँ पर ये हॉर्न का स्विच दिया गया है। ये है इंडिकेटर्स के स्विच, ये भी काफ़ी ईजी है। ये देखिए उसी के साथ ये है इसका फ्रंट ब्रेक, ये है इसका एक्सीलेटर, ये भी अच्छा है, अच्छे से मूव हो रहा है। और देखिए यहाँ पर भी ये रेड कलर का दिया है, पहले नहीं था, अब ये इस स्कूटर में दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये है इसका हेडलाइट और पार्किंग लाइट का स्विच, और ये यहाँ पर दिया गया है USB मोबाइल चार्जर पोर्ट। ये देखिए, आइए अब मैं आपको इसके डिजिटल डिस्प्ले के बारे में जानकारी दे दूँ। ये है इसका डिस्प्ले, इसे अब हम ऑन करते हैं। ये देखिए ये है इसका ओडोमीटर जो कि अब ट्रिकोमीटर बन गया है। और ये देखिए ये है इसके बैटरी स्टेटस, ये है इसका स्पीडोमीटर, और इसकी जो अब बैटरी है वो है 53 वोल्ट की। और ये आप यहाँ पर ये देख सकते हो, जब आपकी बैटरी लो हो जाएगी ना तब यहाँ पर रेड कलर का लाइट आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा गया है ECU, जब आपका स्कूटर का कंट्रोलर ख़राब होगा तो यहाँ पर वो लाइट है रेड कलर का, वो यहाँ पर दिखना चालू हो जाएगा। और ये देखिए जब आपका ब्रेक गलती से हम ब्रेक दबा के रखते हैं तब उस टाइम पे ये जो यहाँ पर है ना इस तरह से आएगा रेड कलर का। और ये है मोटर का, अगर आपके मोटर में कोई ख़राबी होती है तो यहाँ पर रेड कलर का लाइट आपको दिखाई देगा। और ये है एक्सीलेटर, अगर आपके एक्सीलेटर में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर भी वो रेड कलर का लाइट आ जाएगा। तो ये काफ़ी नया सा फीचर यहाँ पर दिया गया है। गाइज, अगर आप लोगों को मेरे चैनल को सपोर्ट करना है तो प्लीज़ आप यहाँ पर ज्वाइन बटन पे क्लिक कर दीजिए, सो दैट कि आप मेरे चैनल को सबसे कम दाम में सपोर्ट कर सकते हो। और मैं पर्सनल लेवल पे आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा स्कूटर लेना चाहिए और कौन सा नहीं। चलिए यहाँ पर मैं एक्सीलेटर दे देती हूँ, 50, इसी आप देख सकते हो ये है 52, यहाँ पर हमें मैक्स टू मैक्स 52 का स्पीड मिल जाता है। ये देखिए गाइज, यहाँ पर हमें ये रिमोट कंट्रोल की मिल जाता है, और ये है स्कूटर लोकेटर। ये देखिए इसे मैंने भी प्रेस किया है। ये है स्कूटर को स्टार्ट करने का स्विच, ये है अनलॉक करने का स्विच, और ये है लॉक करने का स्विच। तो ये काफ़ी अच्छा दिया गया है यहाँ पर ये फंक्शन। ये देखिए यहाँ पर हुक दिया गया है, आप यहाँ पर कैरी बैग्स वगैरह हैंग कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पर भी ये स्पेस दिया गया है, आप यहाँ पर भी सामान रख सकते हो, मोबाइल है, आपके डॉक्यूमेंट्स है वो भी रख सकते हो। ये है इसका लेग स्पेस, यहाँ पर भी आप बैग्स रख सकते हो। उसी के साथ इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 140 mm का। और ये देखिए यहाँ पर सॉकेट्स दिए गए हैं। इस स्कूटर के साथ आपको दो बैटरी मिल जाती है, ये है B1 बैटरी का सॉकेट, और ये है B2 बैटरी का सॉकेट, और ये है फास्ट चार्जर सॉकेट। ये देखिए जो पीछे बैठते हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये ब्लैक कलर में ग्रैप होल्डर दिया गया है, यहाँ पर भी कंपनी का लोगो है। ये देखिए यहाँ पर, आइए अब मैं आपको बता दूँ कि इसका सीट कैसे खोलना है। ये है इसका की, इसे हमें यहाँ पर लगाना है इस तरह से, तो ये जो हमारा सीट है ये खुल जाता है। और ये देखिए यहाँ पर ये चार्जर है, ये देखिए ये है इसका चार्जर 1 और ये है चार्जर 2। इसे मैं यहाँ पर नीचे रख देती हूँ। और यहाँ पर हमें ये टूल बॉक्स भी दिया गया है, और ये है इसका बूट स्पेस जो कि 15 लीटर का होगा। यहाँ पर आपका हेलमेट तो नहीं आएगा, पर कुछ थोड़ा बहुत जो सामान है आप यहाँ पर वो रख सकते हो। और ये देखिए यहाँ पर ये जब हम खोलते हैं तो हमें यहाँ पर ये जो है इसका ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, इनकेस अगर आपके स्कूटर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये उसे प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पर भी ये स्विच है, ये बैटरी 1 और बैटरी 2 का स्विच यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो स्कूटर है ये लिथियम एंड बैटरी का स्कूटर है, तो आइए इसकी बैटरी कहाँ पर है दिखा दूँ। ये देखिए ये जो बैटरी है ये हमें यहाँ पर सीट के नीचे मिल जाती है देखने के लिए। ये है बैटरी 1, और यहाँ पर है नीचे के साइड में बैटरी 2। तो आपको मैं दिखा दूँ इसकी बैटरी 2 कहाँ पर है। ये देखिए इस तरह से हमें ये निकालना है, और ये देखिए यहाँ पर लिखा है B2। तो ये जो है इसके सॉकेट, इसके मैं निकाल, ये देखिए इसे निकाल दिया है मैंने, इसे भी निकाल दिया है, दोनों को निकाल दिया है। तो अभी ये जो बैटरी है इसे हम बाहर निकाल लेते हैं।
देखिए ये जो बैटरी है इसे मैंने बाहर निकाल लिया है और ये है B2 बैटरी, इसे भी मैंने बाहर निकाल लिया है। तो ये देखिए बैटरी बाहर निकालने के बाद हमें ये दिखता है कुछ इस तरह से। एक बेल्ट भी दिया गया है बैटरी हिले ना, एक ही जगह पर रहे इसलिए। सो ये देखिए ये है इसकी बैटरी जो कि 51.2 वोल्ट की है और ये 30 एम्पियर की है। और ये देखिए हीरो इलेक्ट्रिक प्लग इन प्लग आउट राइड, और ये पोर्टेबल है। इसकी जो बॉडी है ये मेटल की बॉडी है और इस बैटरी का जो वेट है वो है 12 केजी का, और आप इसे घर पर लेके जाके भी चार्ज कर सकते हो। ये देखिए ये है चार्जर को कनेक्ट करने का सॉकेट, और यहाँ पर ये हैंडल भी दिया गया है बैटरी को उठाने के लिए, तो हमें इजी हो जाता है। और ये देखिए ये है स्कूटर को कनेक्ट करने का सॉकेट। आइए फ्रेंड्स अब मैं आपको इसके चार्जर के बारे में जानकारी दे दूँ। ये देखिए ये है इसका चार्जर, ये काफ़ी लाइट वेट है। उसी के साथ ये है इसका 3-पिन प्लग और ये बैटरी को कनेक्ट करने का सॉकेट है, और इसका आउटपुट है 58.4 वोल्ट और ये 6 एम्पियर का है। और ये 6 एम्पियर का होने की वजह से 4 घंटे में हमारी बैटरी को चार्ज कर देता है ये चार्जर। आइए फ्रेंड्स अब इस स्कूटर को चार्ज कैसे करना है बता दूँ। उसके पहले ये देखिए ये है एनर्जी मीटर, इसे मैंने घर पर बनाया हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो बैटरी है ये कितने वॉट से चार्ज हो रही है, ठीक है। तो ये है चार्जर का 3-पिन प्लग, मैं यहाँ पर इसे कनेक्ट कर रही हूँ एनर्जी मीटर पर, और ये जो सॉकेट है ये मैं यहाँ पर बैटरी को लगा, इसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है। 3-पिन प्लग है, इसे मैं यहाँ पर लगा देती हूँ इस तरह से। और ये चार्जर का जो प्लग है ये भी मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दी हूँ। सो देखिए अब ये जो हमारी बैटरी है ये देखिए यहाँ पर दिया गया है 25%, 50%, 75% एंड 100%। तो ये यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि हमारी बैटरी कितने परसेंट चार्ज हुई है और कितनी नहीं। और ये देखिए अब ये जो हमारी बैटरी है वो है 373.8 वॉट से चार्ज हो रही है। और आइए आप बता दूँ कि विदाउट बैटरी निकाले हुए कैसे चार्ज करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे लगा दिया है और ये यहाँ पर 372.8 वॉट से चार्ज हो रही है। सो गाइस अभी मेरा हाफ शूटिंग करके हो गया है, अब यहाँ के जो भैया है उन्होंने मुझे चाय दी है तो अब मैं पी रही हूँ चाय। ये है 550 वॉट की BLDC मोटर और इसका पीक आउटपुट है 1200 वॉट्स का। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है और वाटरप्रूफ है, इसे व्हील में ही दिया गया है। और ये है इसके टायर जो कि ट्यूबलेस टायर हैं। ये है एडजस्टेबल रियर रेयर सस्पेंशन, आप सिंगल सीट हो तो इसे एडजस्ट कर सकते हो और डबल सीट हो तो भी इसे आप एडजस्ट करके चला सकते हो। ये देखिए यहाँ पर ये साइड स्टैंड दिया गया है, मेन स्टैंड भी दिया गया है, और यहाँ पर भी नीचे ये स्ट्रिप्स वाला स्टिकर लगाया है। अच्छा लग रहा है इन सब का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर ये फुटरेस है, 2 फुटरेस दी गई हैं, और देखिए यहाँ पर भी वाइट एंड ब्लैक का ये स्ट्रिप दिया गया है। यहाँ पर भी ऑप्टिमा HX लिखा गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये है रेयर ड्रम ब्रेक जो कि केबल ऑपरेटेड है और इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का भी सिस्टम दिया गया है। सो गाइज यहाँ पर हमें ये ब्रेक लाइट्स दिए गए हैं जो कि रेगुलर है, और ये देखिए यहाँ पर भी इंडिकेटर्स दिए गए हैं, ये भी रेगुलर है। यहाँ पर भी लाइट दिया गया है, ये भी रेगुलर है, और ये यहाँ पर ग्रीन कलर की नंबर प्लेट। सो गाइस अभी वीडियो बनाकर हो गया है, जस्ट इसके प्राइस के बारे में बताना बाकी है, तो थोड़ा सा अभी उनको पूछना बाकी है कि इसके ऊपर हमें कितना सब्सिडी मिल रहा है, इसकी जो प्राइस कितनी हमें पड़ेगी। तो चलिए मैं उनको पूछती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।
आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके प्राइस के बारे में जानकारी दे दूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने अब सब्सिडी बढ़ा दी है, तो वैसे ही इस स्कूटर के ऊपर गवर्नमेंट ने 39,320 की सब्सिडी दी हुई है, और इसे डिडक्ट करने के बाद इसका ऑन रोड प्राइस होता है पूना वालों के लिए 72,000। और स्टेट गवर्नमेंट ने भी अभी डिक्लेयर की हुई है सब्सिडी, तो ऑलमोस्ट हमें 15,000 to 20,000 की यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। और इसके साथ हमें लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की भी ज़रूरत है। आइए अब हम इसके वारंटी के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके मोटर और कंट्रोलर के ऊपर हमें 5 साल की वारंटी मिलती है, और इसके चार्जर और बैटरी के ऊपर 3 साल की वारंटी मिल जाती है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर बैठी हूँ स्कूटर पर, और अब मैं करने जा रही हूँ इसका टेस्ट ड्राइव, क्योंकि अभी बारिश भी रुक गई है, तो सोचा कि पहले मैं इसका टेस्ट ड्राइव कर लेती हूँ। तो अभी मैं फटाफट से इसका टेस्ट ड्राइव कर लेती हूँ, पर उसके पहले हेलमेट पहनना भूलना नहीं चाहिए, जो कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ, पर अब सबसे पहले मैं हेलमेट पहनती हूँ, फिर मैं इसका टेस्ट ड्राइव करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका टेस्ट ड्राइव करके दिखा दूं, पर उसके पहले बताना चाहती हूँ कि इस स्कूटर में आपको 2 बैटरी मिल जाते हैं। एक बैटरी के साथ ये 60 किलोमीटर तक जाती है, और दूसरी बैटरी के साथ भी 60 किलोमीटर तक, तो ये हमें डबल सीट ले जाती है 120 किलोमीटर तक। तो चलिए लेट्स टेस्ट ड्राइव, पर उसके पहले हेलमेट। सो गाइज, अभी मेरा टेस्ट ड्राइव लेके हो गया है, और मैं अपना ओपिनियन आप लोगों तक शेयर करना चाहती हूँ। इसका एक्सीलरेशन बहुत ही अच्छा है, हमें इसका स्पीड यहाँ पर 42 का मिल जाता है, पर मैं ये आपको सिटी के लिए रेकमेंड करना चाहती हूँ। और इसके जो ब्रेक है बहुत अच्छे हैं, इसमें डिस्क ब्रेक दिया जाता तो और बेहतर हो सकता था, क्योंकि इसमें ड्रम ब्रेक है। इसके सस्पेंशन भी सॉफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके टायर्स भी अच्छे हैं, जगह पर रुक जाती है। और इसका जो सीट है थोड़ा सा हार्ड है, पर कोई नहीं, कंफर्टेबल है। इसका स्कूटर का जो हाइट है वो भी अच्छा है। और जो लोगों ने अब तक इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं ली है, और जो लोग लेना चाहते हैं, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि वो ये स्कूटर से स्टार्ट करें, क्योंकि ये स्कूटर बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें टेंशन नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। मेन चीज़ ये है कि क्या है, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा खर्चा, जितना कम टेक्नोलॉजी उतना कम खर्चा। तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को लेनी है, तो प्लीज़ आप इस स्कूटर के साथ जाइए। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा सब्सिडी भी दी हुई है, और इसकी जो बॉडी है ये फाइबर से बनी हुई है, और ये ले पाती है 150 तक वेट। सो गाइज, अभी मेरा जो शूटिंग है वो कम्प्लीटली हो गया है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक स्कूटर लेनी है, तो आप ये ले सकते हो, ये वैल्यू फॉर मनी है, मेंटेनेंस फ्री है, इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है आपको। और अभी मुझे लग गई है भूख, और मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी थोड़ा सा यहाँ से जलेबी ले लूँ। अब जाते जाते मैंने देखा कि यहाँ पे गरम गरम बन रही है, तो चलिए फटाफट इसे लेते हैं। देखिए, ये मैं ये वाली यहाँ पर जलेबी ले रही हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है, और ये यहाँ पर बन रही है गरम गरम। ये है राकेश, मैंने इनसे बोला है कि मुझे गरम गरम जलेबी बना दो, तो अभी वो हमारे लिए यहाँ पर फ्रेश गरम गरम जलेबी बना रहे हैं। ये देखिए, अभी वो थोड़ा सा चेक कर रहे हैं कि ऑयल उनका गरम है हुआ है या नहीं, तो देखिए ये यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर अभी ये इन्होंने डालना चालू कर दिया है तेल में। तो
तो चलिए अभी मिलती हूँ आपको ये पूरा रेडी होने के बाद। ये देखिए यहाँ पर गर्मा गर्म जलेबी बनकर अब तैयार हो गई है और मैंने भी बता दिया है कि उनको मुझे कितना चाहिए। तो चलिए भैया जल्दी जल्दी दे दीजिए मेरा वाला। ये यहाँ पर भी है इनके शौक की जो जलेबी है वो खाई जा रही है। अच्छी बनी है? कैसी बनी है? मैं से आने के बाद सबसे पहले जलेबी ही खाता हूँ भैया। ओके। बहुत एकदम पूरी मेरे तंदुरुस्ती तरह से जलेबी डेली खाता हूँ। ओके। ये बहुत अच्छी जलेबी बनाते हैं, इनका पिछले 4 साल से कस्टमर हूँ। अच्छा, अभी तो मैंने भी ले ली है, अभी मैं भी ट्राई करूँगी कैसी बनी है जी। बिल्कुल, है ना। और आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो आइए यहाँ पर। ये कौन सा एरिया है भैया? रावित। रावित जी, ये रावित में है इनका शॉप, तो आप इनके शॉप में विजिट दीजिए। सो गाइज देखिए मैं यहाँ पर अभी कंफ्यूज हो गई हूँ, बहुत सारे यहाँ पर स्वीट्स हैं, तो मैंने डिसाइड किया है कि ये वाली जो स्वीट है ना ये वाली मैं ले लेती हूँ। तो मैंने ये वाला लिया है और अब देखती हूँ और क्या ले सकते हैं। गाइज अभी तो थक गई हूँ, भूख लगी है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि वड़ा पाव का शॉप है और मैं वड़ा पाव ना खाऊँ। तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट वड़ा पाव ले लेती हूँ। तो चलिए आज का जो मेरा व्लॉग है मैं यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और भूलिएगा मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का।